नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। सीधी जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सीधी के सब्जी मंडी के सामने खुर्द में आयोजित किया गया। स्थानीय बुनकरों द्वारा बनाए गए दरी मुख्यमंत्री को भेंट किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का कार्यक्रम नहीं है, गरीबों की जिंदगी बदलने का दिन है। लोकतंत्र जनता के लिए, लोकतंत्र को जनता का राज कहा है। जनता को दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़े, अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रीवा संभाग में 7,59,778 आवेदन आए थे, उनमें से 7,02,845 अलग अलग नाम जोड़ दिए गए हैं। सीधी में कलेक्टर से माइक पर मुख्यमंत्री ने किया सवाल। मामा आजकल भाषण नहीं देता, सीधे सीधे बात करता है। मुख्यमंत्री के सवाल पर कलेक्टर ने दिया जवाब। 1,51,003 आवेदन प्राप्त हुए हैं, 1,37,003 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। जनता को लाभ पहुंचाने का काम आजादी के बाद अब तक नहीं हुआ। आज का दिन ऐसा ऐतिहासिक दिन रहा है। भगवान खुश हो ना हो, लेकिन गरीबों की पूजा करने से वक्त जरूर होता है। इनकी आंखों में साक्षात नारायण दिखाई देते हैं, जनता ही जनार्दन है। मुख्यमंत्री ने जनता से पूछा कि मुख्यमंत्री और कर्मचारियों को ड्यूटी करना चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा कि जब अच्छा काम होता है तो मैं प्रशंसा करता हूं, उन्हें हम सम्मानित भी करते हैं। जहां गड़बड़ी होती है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार रिश्वत के बारे में भी जानने की कोशिश किया। उन्होंने जनता से अपने काम का समर्थन मांगा। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल स्टार 7 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।